नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्लैट जो पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK फ्लैट। जो मेरा 2 BHK फ्लैट है वो 55 गज के अंदर है और जो ये है वो सोसाइटी के अंदर है। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 1 BHK फ्लैट मेरा नीव अपार्टमेंट के अंदर था, सेम वही 2 BHK फ्लैट मेरा नीव अपार्टमेंट के अंदर है। नीव अपार्टमेंट फेस 1 के अंदर हमारा ये 2 BHK फ्लैट है। दोस्तों, फ्लैट में जाने से पहले मैं यहाँ की आपको लोकेशन बताता हूँ कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी है मेट्रो से। अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड पे स्ट्रेट जाएंगे, टी पॉइंट से राइट लेते हैं तो अपना आप ज्ञान रोड निकल जाते हैं द्वारका मोड़ के मेट्रो स्टेशन पे। अगर आप मेरे राइट हैंड पे देखते हैं तो राइट हैंड पे ये पूरा सोसाइटी का रोड है, ये 55 फुट का रोड है। 55 फुट के रोड से अगर आप जाते हैं तो सीधा आप निकल जाएंगे द्वारका मोड़ की रेड लाइट पे। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी देखिए, मैंने पूरे गेटेड सोसाइटी हमने बना रखे हैं यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे आपको कॉर्नर्स में हम पूरा ग्रीन ट्री कंप्लीट करके देंगे सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों आप चलते हैं हम अपनी सोसाइटी की तरफ। ये देखिए जो ये रोड है ये आपका 18 फुट का स्पेस है रोड का। यहाँ पे अपना कार पार्किंग भी कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी कार पार्किंग नहीं है उसको हम इजिली यहाँ पे कार पार्किंग करने दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि 55 गज के अंदर जो 2 BHK है वो मेरा कृष्णा अपार्टमेंट, सामने आप देख रहे हैं कृष्णा अपार्टमेंट के अंदर ये 2 BHK है 55 गज के अंदर। एक्चुअली हमने जो यहाँ पे कर रखा है बिल्डिंग्स का नेम रख रखा है यहाँ पे हमने, श्याम अपार्टमेंट, कृष्णा अपार्टमेंट, धन श्री राधे अपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, जो ये मेरा फ्लैट है ये कृष्णा अपार्टमेंट के अंदर है, ये हमारा यूनिट 1 के अंदर है कृष्णा अपार्टमेंट के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अगर कृष्णा अपार्टमेंट के रोड की बात करता हूँ तो ये रोड भी अपना 18 फुट का स्पेस का रोड है। ठीक है, हमने वहाँ पे सामने कॉर्नर में गेट लगा रखा है। देन जैसे यहाँ पे हम आपको कॉर्नर में ग्रीन ट्री पूरा कंप्लीट करके देंगे प्रॉपर, यहाँ पे आपको नाइट सिक्योरिटी गार्ड फैसिलिटी भी करके देंगे। देन हम यहाँ पे आपको कैमरा फैसिलिटी भी करके देंगे, कैमरा हर बिल्डिंग्स के आगे लगा के देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड पे भी अगर आप देखते हैं तो ये गली बंद आ जाती है प्रॉपर। 18 फुट का जो स्पेस है रोड का अभी हम पूरा आपको ये बना के देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने फ्लैट की पार्किंग की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने फ्लैट की पार्किंग की तरफ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये प्रॉपर प्लॉट एरिया है 450 गज का प्लॉट एरिया है, हमने इसके अंदर डिवाइड कर रखा है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर ये मेरा फ्लैट है 55 गज का जो मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसके पार्किंग की बात करता हूँ तो पार्किंग अगर आप देखेंगे तो 5 फुट तक पूरा टाइल करके हम आप इसमें करके दे रहे हैं प्रॉपर, 5 फुट तक पूरा टाइल लगा के दे रहे हैं। देन ऊपर पूरा LED लाइट्स होगी, ऊपर लाइट्स लगा के हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर फैसिलिटी पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। अगर मैं इसके कनेक्शंस की बात करता हूँ BSS मीटर के कनेक्शंस की, तो ये देखिए अपना पूरा MCB हम यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं, कनेक्शन करके दे रहे हैं प्रॉपर बिजली का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अब इसके बात करता हूँ वाटर कनेक्शंस की, तो वाटर कनेक्शन जो हम आपको यहाँ पे करके दे रहे हैं, देखिए पूरा सेपरेट अपना वाटर कनेक्शन हम यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर अपना वाटर कनेक्शन है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट पानी के लिए आप मोटर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, समस्या का कनेक्शन हम कर आपको करके दे रहे हैं। देन हमारा दिल्ली जल बोर्ड वाला जो कनेक्शन है वो भी हम आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए खाली आपको एक 1 टन की 1 टन की मोटर लगानी पड़ती है, जो अपना प्रेशर ऊपर तक चला जाए, टंकी तक चला जाए, आपको वाटर टैंक तक चला जाए प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। फ्लैट की तरफ चलने से पहले मैं आपको इसका स्टेज का दिख बताता हूँ कि स्टेज में हमने क्या करके दिया है। स्टेज की अगर साइज की बात करता हूँ तो 2.5 फुट का ये स्टेज आ जाता है प्रॉपर पूरा। ठीक है दोस्तों, ये हम यहाँ पे आपको ग्रिल्स लगा के दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके लिफ्ट एरिया की, तो ये हम यहाँ पे आपको लिफ्ट लगा के दे रहे हैं 4 पैसेंजर्स की, यहाँ पे आपको लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम यहाँ पे आपको प्रॉपर लिफ्ट के प्रोविजन दे रहे हैं, देन स्पेस का भी दे रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने फ्लैट की तरफ। फ्लैट की तरफ अगर मैं देख बात करता हूँ अपने ये लॉबी एरिया की, तो लॉबी एरिया का जो हमने स्पेस दे रखा है ये 3 फुट का स्पेस हमने दे रखा है। जैसे हमने इस फ्लोर पे यूनिट्स बना रखे हैं, देखिए वो हमारा 3 BHK आ जाता है। ठीक है, देन फिर ये 2 BHK फिर लिफ्ट का स्पेस आ जाता है, देन ये स्पेस आ जाता है। और बैक साइड में अगर आप दिखाइए बादल जी, तो वहाँ पे 2 BHK एंड 1 BHK का स्पेस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। अगर फ्लैट, आइए हम अब इंटर करते हैं अपने फ्लैट की तरफ। आइए दोस्तों, ये देखिए 55 गज के अंदर 2 BHK फ्लैट। अगर मैं इसके लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात करता हूँ, तो लिविंग एरिया का जो डायमेंशन है वो अपना 10x12 का डायमेंशन आया जाता है प्रॉपर। ठीक है, इसके अंदर हम अपना एक वॉल पे वॉलपेपर करके दे रहे हैं, ब्लैक एंड गोल्डन के राउंड्स में अपना वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें अपना प्रॉपर स्प्लिट एसी वायरिंग आपको करके दे रहे हैं। अगर मैं इसके फॉल सीलिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका फॉल सीलिंग पूरा स्क्वायर के अंदर हम अपना कंप्लीट करके दे रहे हैं, कॉप लाइटिंग या LED लाइटिंग के साथ। मोम व्हाइट कलर की हमने इसमें कॉप लाइट लगा रखी है। ठीक है, फैंस एंड झूमर आपको लगा के दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अपना देखिए, हम यहाँ पे आप 43 इंच का LED TV आप इजिली यहाँ पे लगा सकते हैं।
ठीक है, इसका जो अगर साइज की बात मैं करता हूँ तो जो एलईडी पैनल का साइज का इसमें है वो 6x6 का एलईडी पैनल हम यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉर्स यहाँ पे हमने बना दिए हैं, छोटे से कैबिनेट्स बना दिए हैं। यहाँ पे अपना क्लोनिंग टाइप छोटा सा डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे आप रख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। अगर मैं कॉमन वॉशरूम के डायमेंशन की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कॉमन वॉशरूम के जो डायमेंशन है वो 3x5 का कॉमन वॉशरूम का डायमेंशन है। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर हम यहाँ पे हम अपना वॉल टू वॉल 9 फुट तक टाइल लगा के दे रहे हैं। देन यहाँ पे आपको गीजर का प्रोविजन हम करके दे रहे हैं। अगर मैं इसके सीटिंग की बात करता हूँ तो देखिए इटालियन शीट हम यहाँ पे आपको आपको प्रॉपर लगा के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम अगर वाटर की बात करता हूँ जो हम वाटर के लिए कनेक्शन यहाँ पे आपको करा के दे रहे हैं, ये देखिए शावर का हम आपको प्रोविजन करके दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाइवर्टर्स लगा रखे हैं। ठीक है, गर्म ठंडे पानी के लिए यहाँ पे आपको ये आया था गवर्नमेंट पानी का। ठीक है, गवर्नमेंट पानी का नल यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं वॉश बेसिन एरिया की, तो वॉश बेसिन यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। देन इसके अंदर हम एक मिरर भी आपको लगा के दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम चलते हैं अब इसके किचन की तरफ। अगर मैं इसके किचन के स्पेस की मैं अगर बात करता हूँ तो किचन का स्पेस जो हम यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं वो हमारा किचन का स्पेस है 6x5 का किचन का स्पेस यहाँ पे आपको आता है। एल टाइप में हम पूरा आपको किचन रेडी करके दे रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे अपना ब्लैक कलर का हमने इसमें मार्बल का पत्थर लगा रखा है ऊपर किचन के अंदर। ठीक है, पूरा मॉडलर किचन हम आपको बना के दे रहे हैं। पूरे कैबिनेट्स हमने पूरे यहाँ पे रेडी करके दिए हैं। अगर मैं कैबिनेट्स आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये प्रॉपर हम यहाँ पे आपको ये जो ग्रिल्स हमने लगा रखे हैं इसके अंदर किचन के अंदर ही एसएस की ग्रिल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गीले बर्तन रखते हैं तो कभी जंग नहीं खाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉस की बात करता हूँ, प्रॉपर ड्रॉस यहाँ पे बना के दे रहे हैं। अपना छोटा मोटा सामान ड्रम्स यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर इसके सिंक की बात करता हूँ, सिंक का स्पेस पूरा हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। नीचे भी हमने ये पूरा स्पेस बना के दिया है सिंक का प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टैप्स हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर के कैबिनेट्स की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो है गीजर और आरओ का प्रोविजन हमने आपको यहाँ पे करके दिया है दोस्तों। यहाँ पे आपका आरओ का स्पेस इजीली आ जाता है, आरओ में आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये पूरा कैबिनेट्स हम बना के दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पूरे कैबिनेट्स यहाँ पे बना के दे दिए हैं प्रॉपर। और हम इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल चिमनी आपको लगा के दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं किचन के वेंटिलेशन की मैं बात करता हूँ तो ये किचन का हमने पूरा वेंटिलेशन बना रखा है प्रॉपर। 2x2 का हमने यहाँ पे वेंटिलेशन बना रखा है, विंडो हमने बना रखा है। प्रॉपर किचन का वेंटिलेशन है, यहाँ से इसका पूरा एयर कंप्लीट बाहर जाता है। ये शाफ्ट एरिया में पूरा एयर निकलता है किचन का। ठीक है, यहाँ हमने आपको विंडो भी लगा के दिए। अगर मैं किचन के ऊपर डिज़ाइन की बात करता हूँ, देखिए दोस्तों ऊपर एक फॉल सीलिंग के साथ हमने एक लैंप लगा के दिया है आपको प्रॉपर। इसमें हम लैंप लगा के दे रहे हैं, जैसे एज इट इज़ आप फ्लैट देख रहे हैं एज इट इज़ आपको ऐसा ही फ्लैट ये मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, आप चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यह हमारा है फर्स्ट बेडरूम। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर आपको रेडी करके दिया है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका डायमेंशन आ जाता है अपना 10x11 का डायमेंशन प्रॉपर हम यहाँ पे रेडी करके दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना एक वॉलपेपर हम आपको लगा के दे रहे हैं कंप्लीट। ऊपर पूरा स्क्वायर के अंदर हमने फॉसिंग डिज़ाइन करके दिया है विद ब्लू कलर की कॉप लाइटिंग एंड एलईडी लाइट्स के साथ प्रॉपर हम आपको रेडी करके दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके वेंटिलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने विंडो का स्पेस दे रखा है। ठीक है, 2.5x4 का हमने विंडो का स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आपका 1.5 टन का एसी विंडो एसी आ जाता है प्रॉपर। अगर आप अपना कूलर भी लगाना चाहते हैं तो कूलर का भी स्पेस है, कूलर भी आप इजली यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इसके वॉशरूम की बात करता हूँ, ये मास्टर वॉशरूम आपका आता है। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन की मैं आपको बात करता हूँ तो डायमेंशन का स्पेस जो है वो अपना 4x5 का डायमेंशन है। ऊपर पूरा वॉल टू वॉल 9 फुट तक टाइलिंग करके हम आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना शावर का प्रोविजन आपको करके दे दिया है। यहाँ पे आपके टैप्स आ जाते हैं, यहाँ पे डाइवर्टर है ये गर्म ठंडे पानी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने गीजर का प्रोविजन आपको करके दे रहे हैं, यहाँ पे आप अपना गीजर लगा सकते हैं। देन हम यहाँ पे आपका सिटिंग का स्पेस आ जाता है जो इटालियन शीट आपको लगा के दे रहे हैं दोस्तों। अगर मैं वॉश बेसिन की बात करता हूँ तो हमने एक छोटा सा वॉश बेसिन यहाँ पे आपको लगा के दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक मिरर भी लगा के दिया है छोटा सा। यहाँ पे आपको ग्लास भी यहाँ पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम इंटर करेंगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आइए, यह हमारा आता है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो अपना ये डायमेंशन आ जाता है 12x11 का। 12x11 का ये आपका रूम आ जाता है प्रॉपर।
ठीक है, हमने इसके अंदर एक वॉलपेपर लगा के दिया है। ये प्रॉपर वॉलपेपर आप देख रहे हैं, जैसे एक पेड़ की जैसे डालियां टूटती है वैसे ये पूरा वॉलपेपर हम आपको लगा के दे रहे हैं इसमें कंप्लीट। इसमें भी हमने पूरा स्क्वायर के अंदर पूरा फॉल्स सीलिंग डिजाइन करके दिया है। ठीक है दोस्तों, सेम LED लाइट्स एंड कॉब लाइटिंग ब्लू कलर के साथ फैंस इसमें लगा के दे रहे हैं आपको। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हमने ये वार्डरोब बना के दे रहे हैं प्रॉपर, 2x9 का पूरा वार्डरोब कंप्लीट करके दे रहे हैं, ऊपर तक पूरा कैबिनेट्स बना के दे रहे हैं ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसके वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन का मैं स्पेस आपको दिखाना चाहूँगा। सेम स्पेस से ही हमने बना रखा है, 4x4 का विंडो यहाँ पे हम आपको बना के दे रहे हैं प्रॉपर। यहाँ पे भी आपका डे टन का AC आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको कूलर लगाना है तो कूलर का स्पेस भी हमने दे रखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बालकनी स्पेस की। अगर हम इंटर करेंगे हमारे ये बालकनी स्पेस आ जाता है। बालकनी स्पेस के डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपना आ जाता है 2.5x8 का बालकनी का स्पेस। ठीक है दोस्तों, ऊपर बालकनी के अंदर भी हमने वॉल टू वॉल 9 फुट तक टाइलिंग करके दी है। ठीक है, यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है, टैब हम लगा के दे रहे हैं वॉशिंग एरिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टैब पॉइंट आ जाता है यहाँ पे वॉशिंग एरिया के लिए, और ये हम यहाँ पे बालकनी में आपको SS की ग्रिल्स लगा के दे रहे हैं दोस्तों। बादल जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी एक बार दिखाइए हमारे फ्रेंड्स को, जैसे हम पूरी सोसाइटी पूरी बना के दे रहे हैं यहाँ पे अपना नीव अपार्टमेंट के अंदर। ये देखिए पूरा 200 हम नीव अपार्टमेंट आपको बना के दे रहे हैं। ये आप दे रहे हैं वहाँ पे आपका गेट। आइए दोस्तों, अब मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, और इसके अंदर जो मैं क्या ऑफर दे रहा हूँ आपको, वो क्या ऑफर दे रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके फर्स्ट प्राइस की बात करता हूँ तो 55 गज के अंदर सोसाइटी के अंदर 23.5 लाख रुपए के अंदर ये आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक है, 23.5 लाख रुपए ये आपको फ्लैट मिल रहा है 23.5 लाख के अंदर। अगर मैं इसके ऑफर की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर मैं आपको एक विंडो AC लगा के दूंगा दोस्तों। विंडो AC में आपको प्रॉपर इसके अंदर एक 1.5 टन का इताची कंपनी का आपको इस फ्लैट के अंदर देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरा फ्लैट पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपके रिलेटिव है उनको भी आगे अपना ये मेरा चैनल है जो फ्लैट जो इस पर आप शेयर कीजिएगा आगे उनको भी। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर को फ्लैट चाहिए या कुछ भी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है फ्लैट जो वो आगे शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, ऐसे ही नए नए फ्लैट मैं आपके लिए कम बजट के अंदर लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।